सभी मेरे YouTube फैमिली के भाई बंधुओं को नमस्ते। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श करके प्रणाम। आशा कर रहे हैं आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, बहुत 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 खुश होंगे। आप रीता आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती है। आइए आज हम देखते हैं हमने आज नया क्या बनाया है। वैसे थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या बनाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिलेगा एक मेरा नया लुक, जिसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना करिए, अपना ढेर सारा प्यार मेरी वीडियो को दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए आज देखते हैं आज हमने किस तरीके से रेसिपी को बनाया है, आसान तरीके से जो सभी बना सकते हैं। देखल जो चाहो हमार हो ही गया बा, अब एक देती हम उतार चढ़ा दिए पे कढ़ाई। कहीं हो तो बच्चन के लेट लेके कहीं ना आज मम्मी पास्ता ले जाओ, हम कह चलो भाई ठीक बा बना दी। अब देखिए सब भी काट दिए है, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज। यहाँ हम ले आ रहे हैं पिज्जा सॉस, पिज्जा सॉस बा, ये मीठी सॉस है, ये चिली सॉस है, ये विनेगर। विनेगर डाल के तनका खट्टापन बढ़िया हो जाता है, यही नाते विनेगर का हम इस्तेमाल करे थे हमें। और अपने सब जने बतावा जाए काओ काओ डाल जाते हैं। और मैं डाल दी तेल, देख लीजिए जब तेल हमार होएगा बस गरम, मैं डाल दी हूँ जीरा। अब मैं ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाल, लड़के भाई पीत नहीं खाता है, पीत नहीं खाते लड़के ना, तो थोड़ा हरी मिर्च डाले है। मैं जो प्याज काटे हैं प्याज डाल दी, प्याज ज़्यादा पसंद हुआ खाए में, कोनों भी चीज़ में प्याज अच्छा लगता है और लड़के ने प्याज पसंद हुआ, यही से प्याज ज़्यादा पड़ा हुआ। प्याज देख लिया जाए हमारा कितना अच्छी तरीके से लाल हो गया बा। अब देख लिया जाए मैं डाल दी टमाटर, मसाला देख ली हल जाए हमार हो गए तैयार एकदम, टमाटर गल गए बा। अभी देखिए जो पास्ता हमको अच्छे से धो भी लिए थे ताकि चिपचिपाहट निकल जाए, उसको डाल दिए मसाले में। अभी बनी चटकारेदार पास्ता, जे खाई थे उंगली तो जरूर चाहती। रेडी, थोड़े के हल्का सा सॉस डाल दो हमें, अपने हिसाब से डाल जाए जैसे जे खात है तीत मीठ। काफी दिन से 10-12 दिन है डब्बा खोलन ना, टाइट हो गया ढक्कन। ये थोड़ा सा चिल्ली सॉस ताकि फ्लेवर अच्छा आए, चटपटा सा रहे फ्लेवर। और ओकरे बाद डाल दे मेयोनीज काटो, पिज्जा सॉस तकरीबन 1-1.5 चम्मच डाल दिया जाए, ऐसे थोड़ा खट्टा तीखा बढ़िया स्वाद आ जाता है। अब इन सब के उकई के ऊपर मिलाएंगे। कितना बढ़िया एकदम लगत बा देखे में, कितना सुंदर दिखत बा। अपने सब जने यहाँ सोचल जात हुए कि हम कैसन बोलत हुई ना, वैसे हमरे यहाँ का यही भाषा हो, आई ली गई ली खैली। तो आज हम सोचन कि
काहे दुनिया भर का मखाउज करे, ऐसे बोलल जाए आप लोग के साथ है। ठीक बा ना, बतावा जाई सही करत है ना, ठीक बोलत है। एक 5 मिनट खाती या 2-3 मिनट खाती ढक के पका लिया जाए। और ये हमार पास्ता तैयार हो गया बा, देखा जाए मम्मी मम्मी जैसन देखे हम बा वैसे खाऊ हम बा।